हेलो, मैं हूं देवेन भोजानी और आज आपके साथ खेल रहा हूं, क्वेश्चन आंसर रहा हूं। तो अभी यहां कुछ चिट्स हैं, तो उसमें कुछ सवाल हैं, तो वह मैं उठाऊंगा और उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। सेट पर अगर आपको एक दिन के लिए बच्चा बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं बहुत शरारत करूँगा, सबकी नाक में दम कर दूँगा। बचपन की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? बचपन का भूलापन, जो उसका इनोसेंस है, वो सबसे प्यारा है। हम बड़े होने के बाद हमारा दिल, हमारा माइंड करप्ट होने लगता है, चाहे हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें। पर जितना हमें एक्सप्लोर हम ज़्यादा करते हैं दुनिया को, उतने ही हम ज़्यादा करप्ट होते हैं। एक बच्चा जो है उसने कम दुनिया देखी है, तो उसका जो इनोसेंस है वो बरकरार रहता है। अपने नन्हे मुन्ने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मेरे बहुत सारे नन्हे मुन्ने फैंस हैं, ख़ासकर जब बाब और बेबी में मैं गट्टू का किरदार निभा रहा था, जो एक लो आईक्यू वाला इंसान था, तो बच्चे की तरह बिहेव करता था, बहुत ही इनोसेंस था, बहुत ही भोला था, मासूम था। तो मेरे बहुत सारे बच्चे फैंस बने, और काफ़ी बार मैं कहीं जाता हूँ पब्लिक प्लेस पर, या कभी स्टूडियो में मिल जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट पर, कहीं पर भी, तो बच्चे अगर मिलते हैं तो मुझे दूसरा बच्चा ही समझते थे, और कभी मेरे गाल खींचते थे, कभी पेट में घुस क्या गट्टो घुसा मारते थे एंड ऑल दैट। तो इतने प्यारे इनोसेंट बच्चे थे, तो उनको मैं नन्हे मुन्ने फैंस को यही कहूँगा कि बस मैं भी आपकी तरह एक बच्चा हूँ, और बच्चा ही बना रहूँगा, और आप मुझे इसी तरह का प्यार देते रहिएगा। बचपन में आपका पसंदीदा हीरो? ओके, अमिताभ बच्चन, वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल समझता हूँ, सचमुच बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इनफैक्ट मेरा ही एक किस्सा कहूँगा, मेरी भांजी है, अब तो थोड़ी बड़ी हो गई, वो छोटी थी, तो इतना भोलापन था उसकी आँखों में, उसके चेहरे पर, हाव भाव में, उसकी शरारतों में, जो भी वो खेलती कूदती थी, जिस तरह से धीरे धीरे चलती थी, तो मुझे ऐसा ही लगता था कि ये कहीं सचमुच तो भगवान नहीं। मैं बाद में थोड़ी वो समझदार होने लगी 3-4 साल की, तो मैं पूछता था कि तू सच बता, तू भगवान है क्या? सच बता, तू है ना भगवान? यहाँ ये रूप लेकर आई है ना, अंदर से तू भगवान है ना? तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो शी वुड जस्ट लाफ इट ऑफ। तो बच्चे सचमुच भगवान का रूप होते हैं। बचपन की ना भूलने वाली बात जो आपको अभी तक याद है? ओके, एक किस्सा बताऊंगा। हम लोग शिरडी से वापस आए, फैमिली वहां पर एक ट्रिप के लिए गए थे, और फिर आकर मैंने बैग अनपैकिंग किया, और उसमें से एक टॉवल निकाला, वाइट कलर का, टर्किश का। मैंने बोला ये देखो टनारा, तो माने कहा यार ये तो होटल में था, वो टॉवल है ना, तूने क्यों चुराया? तूने चुराया टॉवल चुराया तूने? और मैंने आँख मारी के हाँ ले लिया। तो माने बोला शर्म नहीं आती ऐसे कैसे कर सकते? बहुत माने गुस्सा किया कि हाउ कैन यू डू दिस, यू कैन नॉट, ऐसे कैसे चुरा सकते हो तुम, किसी ने देख लिया होता तो ये है। मतलब कौन देखेगा, वो हमारे रूम में ही था और पैकिंग कर रहा था, और फिर टॉवल डाल दिया आपने बैग में, हम निकलते थे तो थोड़ी ना कोई रिसेप्शन पे चेक करता है अपना बैग वैग, ये वो, किसी ने नहीं देखा, सो डोंट वरी। तो फिर मेरे पापा ने बोला किसी ने नहीं देखा, पर मैं तभी 7-8 साल का था। पापा ने बोला किसी ने नहीं देखा, भगवान ने देख लिया। तो अभी उनकी डायरी में ये नोट डाउन हो गया है, और अभी तुझे इसकी सज़ा 10 गुना ज़्यादा बुरी मिलेगी। और मैं इतना डर गया, मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो पापा ने बोला कभी भी कुछ भी करेगा, कुछ गलत करेगा, तो ये सोच लेना कि ऊपर वाला देख रहा है,
फिर भी अगर तुझे करना है, उचित लगता है तो तू कर। और ये मेरे लिए वो छोटी उम्र में उस वाक्य से इतना एक समझदारी आ गई कि जो आज तक मेरे जहन में कि एथिकली हम मॉरली हम कुछ करते हैं, कुछ गलत करने जाते हैं तो तुरंत वो पापा की बात याद आती है। तो ये बचपन का वो किस्सा। बचपन का कोई भी खिलौना या गिफ्ट जो आज तक आपने संभाल कर रखी है? ओके, एक बॉल था। हम लोग वी वर फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, अभी भी और तब ज़्यादा थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो पैसों की तंगी थी। और हमारी बिल्डिंग में हम लोग फर्स्ट पर हमारे बिल्डिंग के बाजू में एक चौल थी, तो वहाँ के कुछ दोस्त यार थे, तो हम लोग हमेशा साथ में हंसते खेलते थे, ये है वो है। और फिर कहीं आसपास में बाज़ार पास में ही था तो वहाँ भी जाते थे, ख़ास करके मेरा एक दोस्त था गणेश नाम का, तो उसके साथ बाज़ार जाते थे। और वहाँ पर एक खिलौनों की दुकान थी, वहाँ पर एक बॉल थी, तो बॉल मुझे हम दोनों को बहुत पसंद आ गया, ये बॉल बहुत, और दाम पूछा तो बहुत महंगा था वो बॉल। तो फिर क्या करें, कहाँ से पैसे लाएं, और पापा तो देंगे नहीं, वो बोले मेरे पापा भी नहीं देंगे, क्या करें। तो फिर गणेश ने एक आइडिया दिया था, गणेश ने बोला कि हम वहाँ मंदिर जाते हैं, गणपति के मंदिर में, और वहाँ पर सब पैसे रखते हैं तो हम लोग ऐसा टच करेंगे और चुपके से चवन्नी ले लेंगे। और मैंने बोला नहीं, मतलब अभी हम पिछले साल ही गए थे शिरडी और पापा ने बोला कि भगवान देख रहे हैं और तू तो मंदिर में ही चोरी करने की बात कर रहा है, नो वे। तो फिर मैंने साफ साफ मना कर दिया था, बोला मैं ये ऐसा कभी नहीं करूँगा। फिर काफ़ी दिन हो गए और फिर मेरा बर्थडे था और पापा को पता चल गया, तो पापा ने वही बॉल मुझे गिफ्ट ला कर दिया। तो वो गिफ्ट मेरे लिए इतना, मतलब मैं रो पड़ा वो बॉल देख कर, और वो बॉल मैंने अभी भी संभाल के रखा। बचपन को लेकर आपका फेवरेट सॉन्ग? मेरे ख्याल से तब मैं बच्चा तो नहीं था पर बहुत बड़ा भी नहीं हुआ था, सदमा पिक्चर आई थी और मुझे वो सुरमई अखियों में गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो गाना मैं बार बार सुनता था और पता नहीं मुझे रोना आता था वो गाना सुन के। आपके अंदर का बच्चा कब जाग जाता है? 24/7 जगते ही रहता है अंदर का बच्चा, हमेशा जागा रहता है। हाँ, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, एक आँख है, पर दिल जो है हमेशा उसमें एक बच्चा ज़िंदा रहना चाहिए, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा कुछ और ही आता है। बचपन की फेवरेट तस्वीर क्या है आपकी? एक तस्वीर है बचपन की जो मेरी फेवरेट है, उसमें मैं और मेरी दो बहनें हैं, तो मम्मी का एक नेक पीस था जो दोनों बहनों को बहुत पसंद था, पर एक बड़ी बहन थी तो मम्मी ने सोचा कि बड़ी बहन को देते, और मैंने भी हामी भरी कि अरे हाँ ये बड़ी बहन को ज़्यादा सूट करेगा, वो तो छोटी है उसको क्या फैशन वैशन, ऐसे उसको नहीं दिया था और वो बड़ी बहन को दिया था। और हम तीनों ने फ़ोटो स्टूडियो जाके फ़ोटो निकाली थी, तो उस फोटो में मैं और बड़ी बहन बहुत खुश हैं और पास में जो छोटी बहन है वो ऐसे खुन्नस से देख रही है वो नेकलेस को कि मुझे नहीं मिला वो नेकलेस, ऐसे रुआ सी शक्ल बना के, तो वो इतनी प्यारी क्यूट लगती है मेरी छोटी बहन और हम दोनों एकदम ऐसे, तो वो वाली तस्वीर है, वो मेरी मोस्ट फेवरेट तस्वीर है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ देवेन भुजानी, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे।